टू न्यू ब्लॉगर। आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ इसमें जाने के लिए आप दो तरीके की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑटो कार मतलब प्राइवेट बस कर सकते हो और उसका टिकट मे बी 300 तक आएगा। और सेकेंड इज़ आप ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है YHT। मैं भी आ गया हूँ मरमरा, यहाँ से हम जाएंगे गिवजी, वहाँ से हम लेंगे YHT ट्रेन। और कैसे कैसे जाऊँगा वो सब आपको मैं दिखाता चलूँगा, तो चलिए चलते हैं। ट्रेन से जाना बहुत ही सही है क्योंकि थोड़ा चीप प्राइस भी है ये। यहाँ पे आप मरमरा में इस्तांबुल कार्ड का यूज़ कर सकते हो। चलिए चलें। तो ये मेरा स्टूडेंट कार्ड, अब चलिए चलें। इस्तांबुल कार्ड से आपको मरमरा के अंदर आने के लिए 12 लीरा मतलब 12 लीरा लगेगा। मैं गेप जी तो आ गया हूँ, अब यहाँ से हमें जाना है स्टेशन पे जहाँ पे हम टिकट लेंगे स्मिथ जाने के लिए ट्रेन का। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये काउंटर है और यहाँ पे हम पता करेंगे टिकट के बारे में, यहाँ पे मतलब टिकट लेंगे भाई, टिकट लेते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स मुझे टिकट मिल चुकी है, मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो टिकट 46 लीरा की मुझे मिली है और आप लोग आओगे तो आपको 80 लीरा तक का मिल जाएगी, 80 तक, क्योंकि फॉर अ स्टूडेंट आई एम, दैट्स वाई आई गेट दिस मच। सो आप लोग आओगे तो आप लोग को 80 या 70 लीरे तक मिल जाएगी। और अंदर मैं ओपन नहीं कर पाया कैमरा बिकॉज ऑफ द रीज़न लॉट्स ऑफ पीपल देयर और पुलिस भी थी काफ़ी सारी, तो इस वजह से मैं कैमरा अंदर नहीं खोल रहा, बाहर आके बता रहा हूँ। और लेने में बहुत सिंपल है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से, या फिर यहाँ की आई डी है तो यहाँ की आई डी से अपना आई डी दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए और जहाँ जाना है वहाँ का वो प्राइस वो खुद बता देंगे। तो इस तरह आप ऐसे यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो। और YHT आप इसे भी सर्च करोगे तो आपको स्टेशन मिल जाएंगे इसके बहुत सारे। और यहाँ से हम जाएंगे, मतलब अभी तो मुझे जो टिकट मिली है वो मिली 1:20 की और टाइम हो रहा है अभी 11 बजे, तो मुझे मतलब 2.5 घंटा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। वेट करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से, मतलब अब तो टिकट मिल गया 1 बजे का, उससे पहले जो भी है वो सारी फुल है, तो अब यहाँ वेट करते हैं 2.5 घंटा। सो फ्रेंड्स 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बाद मतलब 10 मिनट बाद अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद हम जाएंगे नीचे। फ्रेंड्स अब टाइम हो चुका है, मतलब 20 मिनट बचे हैं, मतलब 10 मिनट बचे हैं मुश्किल से, तो नीचे आ चुका हूँ। नीचे से हमें उधर जाना है और उसके बाद अपनी ट्रेन में, तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स मैं नीचे आ चुका हूँ, ये मेरी ट्रेन है, इसमें कोई सीट नंबर नहीं है, कहीं भी बैठ सकते हैं हम। सो सीट पर आ चुका हूँ फ्रेंड्स, सामने कुछ इस तरह का है, सामान रख सकते हैं, टेबल है और इसको तो TCDD लिखा है, सीट कुछ इस तरह की है, ट्रेन कुछ इस तरह की है। और ये है मतलब ट्रेन के अंदर का, यहाँ के बाहर आप देख सकते हो। अब इसको चलने में भी 10 मिनट है, तो 10 मिनट वेट करते हैं फिर इसके बाद मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा। फ्रेंड्स अब तो स्टार्ट हो चुकी है, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे स्मिथ और अभी मिलता हूँ आपको स्मिथ में सीधा। सो फ्रेंड्स अब पहुँच चुका हूँ स्मिथ और स्मिथ आप भी यहाँ से मतलब यहाँ मेरे पीछे स्टेशन है, ये स्टेशन है तो यहाँ से अब हमें जाना है 1 किलोमीटर आगे, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाना होगा पैदल और वहाँ पे है मेन मार्केट, तो वहाँ चलते हैं अभी। तो फ्रेंड्स मैं तो सोच रहा था कि मार्केट जो है शायद 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन स्टार्टिंग जो है 200 मीटर के बाद ही हो गई मार्केट की, मार्केट का मेन एरिया जो बीच वाला एरिया वो 1 किलोमीटर तक है, मार्केट बहुत बड़ी है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये मार्केट है, ये आइसक्रीम लेने की लाइन लगी हुई है, ये लंबी लाइन लगी आइसक्रीम के लिए लगी है, ये यहाँ का फेमस स्पॉट है देख सकते हो, ये इसमें स्मिथ। वैसे यहाँ पूछते हैं स्मिथ का क्या प्राइस है, नहीं कहता अभी ये कहता ये बुझो, तो ये दी बुझो ठीक है, विश्व एक बनाल भी जब तो सिर्फ मतलब पूछ रहा था ठीक है, ये दी बुझो तो इतना मतलब 7.5 दे रहा, तो वहाँ भी चलता है इस्तांबुल में भी। अभी चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं इधर उधर मार्केट के बीच में घूमते हैं, फिर मैं आपको मार्केट अच्छे से दिखाता हूँ, पहले मतलब मैं जानना चाहता हूँ मार्केट है कैसी, उसके बाद फिर मैं आपको हर चीज़ बताता हुआ और दिखाता हुआ चलूँगा।
चल चलते मुझे यहाँ पे पार्क दिखाई, ये देखिए पार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हर जगह जगह पे ना बेंचेस लगा रखे हैं बैठने के लिए, आप यहाँ देख सकते हो जगह जगह पर, पीछे भी है हर जगह पे। और यहाँ पे जितने पेड़ है ना, मैंने इतने पेड़ किसी मतलब ऐसे मार्केट एरियाज में देखे नहीं है। और एक साइड में मार्केट है तो दूसरी साइड में रोड है, वो साइड रोड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है, मस्त हवा चल रही है। फ्रेंड्स मैं अभी जैसे मार्केट में घूम रहा हूँ इधर उधर, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ज़्यादातर क्लोथ की शॉप्स हैं, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट वगैरह हैं, और फिर मतलब इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो है क्लोथ और मतलब वेस्ट, मतलब वो सारी जो सामान होते हैं ना घर को डेकोरेट करने के लिए, वो सब है। ये देखिए शूज़ पॉलिश की शॉप अलग से बना रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हो रेस्टोरेंट है यहाँ पे, क्लोथ्स वगैरह ऐसे काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। देखिए बीच में बेंचेस ट्रीज सब बना रखा है यहाँ पे, ये एक अलग तरीके की मार्केट है। यहाँ पे एक बहुत पुरानी मस्जिद है जो सुलेमान सुल्तान के टाइम की है, तो वहाँ चलते हैं अभी, चले चलें। सो फ्रेंड्स ये मस्जिद बहुत ज़्यादा पुरानी है, पहले तो बाहर से देख लीजिए फिर अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाऊँगा मैं आपको। ये बाहर का एरिया है, यहाँ पे वज़ू बना सकते हैं, और ये सामने से एरिया इस मस्जिद का। तो ये मस्जिद बहुत पुरानी है, ये देखिए। इसकी वॉल देखिए, वॉल वॉल पे देखिए, पुरानी वॉल है, बहुत पुरानी। तो फ्रेंड्स मैं बाहर आ गया हूँ, जैसे कि आपने अंदर से देखा कितनी ब्यूटीफुल मॉस्क्यू अंदर। और ये बनाई गई थी 1579 में, और इसे बनवाया था जो सुलेमान सुल्तान थे इस्तांबुल में, ओटोमन एम्पायर के सुल्तान थे सुलेमान, उनके जो वज़ीर थे उन्होंने बनवाया था इज़मित में, वो इज़मित में थे तो उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। आप देख सकते हो आज भी ये मस्जिद है यहाँ पर। और फ्रेंड्स ये मेरे पीछे स्कूल यहाँ का, ये देखिए ये स्कूल है, ये स्कूल का पार्क है बाहर। तो आप यहाँ देख सकते हो पीछे मेरे सब कुछ, और यहाँ पे ये देखिए रेस्टोरेंट, पूरा एंड तक का रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है। जैसे कि इस ब्लॉग में मैं कैसे इस्तांबुल से इज़मित आया, बहुत इजी था, क्या टिकट था, क्या प्राइजेस था, तो वो सब टाइमिंग वगैरह मैंने बताया। और मैंने थोड़ी बहुत आपको मार्केट दिखाई जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली हमें। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में। मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।